हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आसपास की कुछ वस्तुओं में बनने वाले कोणों की पहचान करना सीखेंगे। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए निकलते हैं और एक कैंप में पहुंचते हैं। ढोलू, क्या सोच रहे हो? यही कि इस टेंट में कुछ जानी पहचानी आकृति बन रही है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बच्चों, क्या आपको इस टेंट में कोई आकृति दिख रही है? अरे हाँ ढोलू, इसमें तो त्रिकोण बन रहा है और इसके सारे कोण समकोण से छोटे हैं। ढोलू और भोलू, तुम लोग तो कोणों के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो। चलो अब इस चटाई को बिछाकर नाश्ता करते हैं। पापा, मुझे तो इसमें भी कोण दिख रहे हैं। तुम लोग तो सब जगह कोण ढूंढ लेते हो। हाँ पापा, ये है ही मजेदार चीज। बच्चों, क्या आपको इस चटाई में कोण दिखाई दे रहे हैं? हाँ ढोलू, यह तो समकोण के बराबर है। ढोलू और भोलू नाश्ता करने के बाद टहलने चले जाते हैं। ढोलू, कोण कितना महत्वपूर्ण है, सब जगह कोण ही कोण है। प्रकृति भी कई सारे कोण बनाती है, जैसे इस पेड़ को ही देख लो। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस पेड़ पर कोण कहाँ बन रहा है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, कोण इस तरह से बन रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ भोलू, चलो किसी अच्छी सी जगह पर चलकर आराम करते हैं। हाँ चलो, तालाब के किनारे चलकर बैठते हैं। अरे भोलू, यहाँ भी मुझे कोण दिख रहे हैं। कहाँ ढोलू, यहाँ तो पानी, कुछ पेड़, एक नाव और कुछ पक्षी ही हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी यहाँ पर कोई कोण दिखाई दे रहा है? ढोलू और भोलू अगली वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अब तक हमने ढोलू और भोलू के साथ कैंप में दिखने वाली अलग अलग वस्तुओं में कोण को ढूंढा और यह देखा कि कोण लगभग हर वस्तु में पाई जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।